हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज हम योग यात्रा में बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। जिस तरह से आज सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, संयुक्त परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के बीच में जीता हुआ इंसान, ये लगी हुई दौड़, इस आपस की दौड़ में पिसता हुआ जीवन, जिनको अपना माना था जब वो भी पराये हो जाते हैं, जिनका जिंदगी भर पकड़ के रखा था साथ जब वो भी हाथ छोड़ देते हैं, जिनके लिए रातों की नींद और दिन का चैन गवाया, जब वो भी हो जाता है पराया, तब आदमी की जिंदगी में दुख का ऐसा साया आता है उसको व्यक्ति भुला नहीं पाता है, भीतर से टूट जाता है, भावनात्मक रूप से व्यक्ति बहुत टूट रहा है। बाहर की सुख संपत्ति ऐश्वर्य के सारे साधन होते हुए, सारा साम्राज्य है, बड़े मकान हैं, अट्टालिकाएं हैं, महल हैं, ऊंचे पदों पर बैठा है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ इंसान अंदर से रुदन कर रहा है, डिप्रेशन में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बंद कमरों में जहां होना चाहिए था सन्नाटा, वहां से भी चीखती चिल्लाती आत्माएं पुकार रही हैं। ये डिप्रेशन, कोई इसको भूत कह रहा है, कोई प्रेत कह रहा है, और इसी के कारण से बहुत से अंधविश्वास भी पनपते हैं, क्योंकि ये जो मनोसाद है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो गहरा तनाव है, ये इतनी भयंकर विकृतियां ला देता है कि आदमी को ही भूत बना देता है। लोग कहते हैं इसमें भूत आ गया, कोई कहते हैं इस पर शनि की तुराहू चढ़ गया, तो कोई तीसरा कहता है इसका जन्म एक अच्छे मुहूर्त में नहीं हुआ था। अरे मुहूर्त तो सब अच्छे थे, ग्रह तो सब ठीक थे, इसकी मनोही दशा गड़बड़ हो गई तो सारी ग्रहों की दशा इस पर चढ़ गई। आखिर कैसे हो डिप्रेशन का समाधान? पहली बात, जिंदगी में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। हां, ऐसा होता है अक्सर, जिंदगी में जब सब जगह से आदमी धोखा खा जाता है तब अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारना, तुम कभी भी अकेले नहीं हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। जिसने तुम्हें जिंदगी दी, जिसने तुम्हें स्वास्थ्य दिए, जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई, वह हर समय तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे ही अंतर में, तुम्हारे हृदय में, तुम उसको महसूस तो करो। और सच है, सुख का केंद्र, शांति का केंद्र, आनंद का केंद्र, तृप्ति का केंद्र तुम्हारे ही भीतर है। ये तुम्हारा ही भ्रम है कि तुम बाहर से सुख खोजने जाते हो, बाहर से तुम विश्वास खोजने जाते हो, बाहर से तुम प्रेम खोजने जाते हो, लेकिन प्रेम की जगह जब तुम्हें मिलती है घृणा, विश्वास की जगह जब मिलता है अविश्वास, और सुख की जगह जब मिलता है तुम्हें दुख, तब तुम टूट जाते हो। लेकिन एक बात और भी तो है, तुम क्यों हो जाते हो निराश? अंधेरों के पीछे उजालों को खोजा कर। और ये सच है, जब बहुत घनघोर अंधेरा होता है तब भोर होने को होती है, पतझड़ के बाद ही तो वसंत आती है। अरे मृत्यु से भी क्यों हो जाते हो निराश? मृत्यु के बाद ही तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जब मृतस्य च। और कई बार तुम जिंदगी से हार करके मौत का आलिंगन करना चाहते हो, लेकिन याद रखो, मौत कभी भी समाधान नहीं हो सकती, मर के फिर दुनिया में पैदा होना है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो मर गया उसका पैदा होना सुनिश्चित है, मर के फिर इसी दुनिया में आना है, फिर किसी के पुत्र बनोगे, फिर किसी के पिता बनोगे, फिर किसी के पति बनोगे, फिर किसी की पत्नी बनोगे। आखिर इसी दुनिया में यदि जीना है और मरने के बाद यदि वापस यही आना है, तो फिर क्यों रोना और क्यों अपने आप को मिटाना? क्योंकि मिटने के बाद, मरने के बाद यह अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। यह विज्ञान का भी सिद्धांत है, यह अध्यात्म का भी सिद्धांत है, कभी भी किसी का अस्तित्व मिटता नहीं है, रूपांतरित हो जाता है। इसलिए मौत को कभी भी आलिंगन मत करना, क्योंकि मौत समाधान नहीं है। हां, अपने आप को कभी भी असुरक्षित भी महसूस नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा भगवान तो है ना। निर्भय होकर कीजिए, अपने अंग संग अपने भगवान को मानकर कीजिए। हां, ये पवित्र विचार, ये पवित्र संकल्प, ये पवित्र भाव कि मैं कभी नहीं अकेला,
मेरा भगवान मेरे साथ है, सारी प्रकृति मेरे साथ है, ये भूमि, ये भवन, ये हवाएं, ये दिशाएं, ये पूरा ब्रह्मांड जिसने मेरा अस्तित्व निर्मित किया वो आज भी मेरे साथ है। इन हवाओं ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, इस माटी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, ये जल तो आदमी मुझे जीवन दे रहे हैं। जिन तत्वों से मेरा अस्तित्व निर्मित हुआ था वो तत्व आज भी मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए कभी भी तुम निराश नहीं होना। इन्हीं तत्वों के साथ अपने आप को आत्मसात करना, प्रकृति की पवित्रता को महसूस करना। यदि तुम अकेले भी हो गए तो अच्छी बात है, एकांतिक सुख का अनुभव करो। पहले तो लोग घरों को छोड़कर के बिहड़ जंगलों में इसी मौन सुख को पाने के लिए प्रयत्न किया करते थे। तुम अकेले भी हो गए हो, तुम अपने राजा बनकर के जियो, तुम महाराजा की तरह जियो। तुम कोई बात नहीं सम्राट नहीं बने, तुम परिव्राट की तरह तो जियो ना। यह एकांतिक जीवन, इसमें तो कैवल्य का सुख मिलता है। तुम अकेले हो ना, कोई बात नहीं, सांसों को भरो और सांसों की साधना में अंदर खो जाओ। हाँ, डिप्रेशन में हमारे मस्तिष्क से, हमारे शरीर से होने वाले कुछ केमिकल का सिक्रेशन भी गड़बड़ हो जाता है, 5-HT डोपामिन, इसी तरह के ही कुछ सिक्रेशन है और कुछ हार्मोन्स के भी सिक्रेशन है, वो डिप्रेशन में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं आती, प्रसन्नता नहीं आती। तुम हमेशा हर बात के बारे में उल्टा सोचते हो, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने व्यापार के बारे में। आज बच्चा है, कल को मर गया तो क्या होगा? आज पति है, कल को पति नहीं रहेगा तो क्या होगा? आज मैं हूं, कल को नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते कि मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ सकता? जब तक मैं जिंदी हूं मेरे पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो, नेगेटिव क्यों सोचने लग गए हो? आप कहेंगे जी विचार आने ही लगे, मैं क्या करूं? तो प्राणायाम करना शुरू कर दो, सांसों के साथ ठहर जा। ये सांस तेरी जिंदगी जीने का एहसास ही बदल डालेंगे। और सचमुच जब कभी तुम बहुत एकांत में होते हो तो अंतर्मुखी होकर के थोड़े से आंखें बंद करके सांसों को देखना ही शुरू करो। और कई बार तो तुम इतने डिप्रेशन में होते हो कि तुम प्राणायाम भी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, तुम गहरे सांस नहीं भर पाते, जो चल रहा है उसको देख तो सकते हो ना। यही तो विपश्यना की साधना है, बस दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में यूं रख करके सांसों को भीतर गहरा भरना। और बाहर छोड़ना। इस एहसास के साथ प्राण ब्रह्म है, प्राण औषध है, प्राण वसु है, प्राण रुद्र है, प्राण आदित्य है। प्राणो ब्रह्मेति वजानात अवात वाही भेषजम त्वम हि विश्व भेषजम। प्राण वाव रुद्रा, प्राण वाव वसव, प्राण वाव आदित्या, प्राणस्यदम वशे सर्वं यत्र दिवि प्रतिष्ठितं माते पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ पज्जाम च विधेय। प्राण में तो मां जैसी ममता है। सचमुच हम जब सांस भीतर गहरा भरते हैं पूरी श्रद्धा के साथ और छोड़ते हैं सहजता के साथ, यह सांस हमें प्रेम से, करुणा से, ममता से, वात्सल्य से भर देता है। इसलिए तो छंदोग्य परिषद में ऋषियों ने प्राण को मां कहा, पिता कहा, सखा कहा, आचार्य कहा, ब्राह्मण कहा। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मण। प्राण मां जैसी ममता देता है, प्रेम देता है, करुणा देता है, वात्सल्य से हमें भरते। प्राण पिता बनकर के हमारी रक्षा करता है, सखा बनकर के जीवन में साथ निभाता है, ससा बनकर के जीवन को सुवासित कर देता है, आचार्य बनकर के हमारे आचरण को, हमारी मति को, बुद्धि को पवित्र कर देता है। प्राणायाम से हमारा हर पथर्म सिस्टम, पिच्यूटरी, पिनल ग्लैंड, ये रिलैक्स हो जाते हैं, हम निर्विचार निर्विकार हो जाते हैं, पवित्रता से भर जाते हैं। जब पूर्ण मौन में चले जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, तो भगवदीय कृपा का प्रसाद पाते, निर्विचार वैशाराध्य अध्यात्म प्रसाद रितंभरा तत्र प्रज्ञा। फिर सकारात्मक मति पैदा हो जाती है, विचार की शुद्धि से फिर आहार की भी शुद्धि होती है और फिर व्यवहार की शुद्धि हो जाती है। जो अकेलापन महसूस कर रहे थे वो भगवान की कृपा से, करुणा से भर जाता है। जीवन में फिर खालीपन महसूस नहीं होगा। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे पवित्र भावों के साथ करना, कपालभाति करते करते भी एक एक सांस के साथ प्रभु का धन्यवाद करना, जप के साथ प्राणायाम करना। हम
प्रभु को जिस रूप में स्वीकार करें उसी रूप में प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु तूने दिए श्वास, तूने दी जिंदगी, तेरी कोनो बंदगी, ये जीवन का अस्तित्व प्रभु तेरी कृपा से टिका है, तेरी बदौलत टिका है। और ये सच है, जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है, उसी को बोलते हैं भगवान, उसी को बोलते हैं परमात्मा। हर सांस के साथ उसकी कृपा का करना एहसास, और फिर तुम देखना ये महसूस जब करने लगोगे तो जिंदगी खुशियों से आनंद से भर जाएगी, जीवन उत्सव बन जाएगा। मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, मैं प्रभु का पुत्र हूँ, मैं अमृत पुत्र हूँ, मैं किससे क्यों डरूं? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब प्रभु की पूजा रूप है, मैं जो भी देख रहा हूँ सब मूर्त अमूर्त मेरे ही प्रभु का स्वरूप है। जब इन भावों के साथ प्राणायाम करने लगते हैं तो स्वभाव ही बदल जाते हैं, विचार ही बदल जाते हैं, संकल्प सब परिवर्तित हो जाते हैं, जीवन एक ये जीय हो जाता है, जीवन श्वासित हो जाता है। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना, ओम श्वान देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। जो भी भीतर अभद्र है, अशुभ है, नेगेटिव एनर्जी है, वो क्षीण होगी और तुम ऊर्जा से भर जाओगे। श्वासों को बाहर छोड़ना, बाह्य प्रणाम भी करना, ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण करना, बुद्ध पुरुष मुक्त पुरुष आशीष दे रहे हैं। मेरी चारों और विद्यमान प्रत्यक्ष परोक्ष दैवी शक्तियां मेरी मदद कर रही हैं, सारा ब्रह्मांड मेरे अनुकूल हो रहा है। इन भावों के साथ यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं पांच मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट तक करना, डिप्रेशन रहेगा ही। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम करना। भ्रामरी प्राणायाम बहुत जरूरी है डिप्रेशन के लिए। इसको अक्सर लोग तीन बार करते हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ आपको तीन बार नहीं, पांच बार नहीं, आप ग्यारह बार कीजिए। बहुत डिप्रेशन है तो आप इक्कीस बार कीजिए। मैंने सिजोफ्रेनिया के पेशेंटों को भी अच्छा होता देखा है। भ्रामरी प्राणायाम से भीतर की ज्योत जलती है, अंदर का दीप जलता है, अंतस पर छाया अंधेरा सब छट जाता है, ततः क्षीयते प्रकाश श्रवणम। अनुलोम विलोम से मन केंद्रित हो जाता है, देश मंदिर चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतान ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप संयम समाधि त्रयम एकत्र संयम तज्जयात प्रज्ञालोक। एक भीतर से आलोक मिलता है, आओ वो भीतर की ज्योत जलाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम पांच से ग्यारह बार, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इक्कीस बार तक करना। कान पूरे बंद, अंगूठे से मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से गूंजेगा, भीतर की ज्योत जलेगी। ये भ्रामरी प्राणायाम आपके अवसाद को मिटा देगा। ऐसे ये प्राणायाम भ्रामरी करते करते ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाओगे, तुम सच्चे अमृत पुत्र बन जाओगे, प्रभु पुत्र बन जाओगे, कहाँ अवसाद रहेगा। भ्रामरी के बाद उद्गीत करना, आंखें बंद कर पवित्र ओम शब्द को पूरी श्रद्धा के साथ उच्चारित करना। जब ऐसे पवित्रता के साथ प्रणव का उच्चारण करते हैं तो सारी दैवी शक्तियां सब बुद्ध पुरुष सब मुक्त पुरुष स्वयं भगवान हमें आशीष देने लगते हैं और तन मन जीवन पवित्र हो जाता है। ऐसे भ्रामरी के बाद थोड़ी देर सांसों पर ठहर जाना और तुम देखोगे जिंदगी संवर गई।